राजस्थान के बाराछीपा बडौद उपखंड एवं तहसील मुख्यालय स्थित कस्बा क्षेत्र के समीप होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे बाईपास का कार्य कछुआ चाल चल रहा है, जिसके कारण राहगीरों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बाईपास रोड पर डाली जा रही थर्मल की राख उड़ उड़कर लोगों का जीना हराम कर रही है। राख के डंपर सड़कों पर अंधाधुंध परिवहन के कारण डंपरों में से राख सड़कों पर उड़ती हुई जाती है, जिसके कारण आए दिन सड़क पर दुर्घटनाओं का अंदेशा लगा रहता है। नेशनल हाईवे बाईपास के कारण निर्माण कार्य में धीमी गति से कार्य करने पर एवं आमजन दिन भर उड़ रही धूल मिट्टी से बीमारियों की चिंता हो रही है, हो रहे परेशान। आखिर कब होगा बाईपास का निर्माण? भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पूर्व मंडल अध्यक्ष आसिफ अहमद डोलम ने लगाया आरोप। छिपा बड़ोद में लंबे अरसे से नेशनल हाईवे बाईपास का जो कार्य आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल धीमी गति से कछुआ चाल चल रहा है और इस कछुए चाल का शिकार राहगीर जो यहाँ के आम जनता जो है इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि दिन भर में दो दो चार चार डंपर जो ये यहाँ पे जो डस्ट के आते हैं तो ये खुले त्रिपाल में आते हैं और इसके कारण जो धूल जो इसकी जो मिट्टी जो उड़ती है उसके कारण कई राहगीर रोड पे चोटिल हो चुके हैं, लेकिन इस ओर की प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। और हम आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो है इसको धीमी गति से जो चला रखा है, और कुछ दिन बाद में बरसात का मौसम आने वाला है तो क्या के ऐसे में ये रोड जल्द पूर्ण हो सकता है। आज हमारे साथ है भाजपा अल्पसंख्यक के पूर्व मंडल अध्यक्ष, आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या और कब तक ये कार्य पूर्ण हो सकेगा। जी आसिफ खान, ये बताइए कि जो ये नेशनल हाईवे बाईपास का जो कार्य चल रहा है तो इसमें क्यों डिले बढ़ती जा रही है, क्या लगता है आपको? इसमें डिले या तो लापरवाही या तो अधिकारियों की या ठेकेदार की हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो इन्होंने जो धीमी गति से जो कार्य चला रखा है, इससे एक तो सबसे बड़ी परेशानी है जो यहाँ के राहगीर है, उन दिन भर तो इसमें गुब्बारों की तरह तो धूल उड़ती रहती है, इससे लोगों को जनहानि का भी डर लगा रहता है। दूसरी बात, यहाँ जो आसपास जो खेत हैं उनमें भी खेतों में भी कई तरह का नुकसान होने की भी आशंका है, और किसानों के साथ जो नुकसान होगा इस धूल मिट्टी से, और किसानों की जो ज़मीन है पूर्ण तरीके से किसानों को चेक भी पूर्ण तरीके से करीबन चेक देने का अभी भी कई किसान अपने इससे वंचित हैं। वो देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।